पंडित दिनेश नारायण पांडे, आप सभी ग्रहवाणी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप पूरे मन से, पूरे मनोयोग से मेरे कार्यक्रम को देखते हैं और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट भी लिखते हैं। बहनों भाइयों, इस वीडियो में बताने वाला हूं मकर राशि का सितंबर 2020 का भविष्यफल। भविष्यफल प्रारंभ करूं उससे पहले ग्रहों के गोचर को देख लेता हूं। तो सूर्य की कन्या संक्रांति 16 सितंबर को होगी। मंगल मेष राशि में 10 सितंबर से वक्री हो जाएंगे। बुध सिंह राशि में 2 तारीख तक हैं और उसके पश्चात कन्या राशि में हो जाएंगे। गुरु धनु राशि में 13 तारीख से मार्गी हो जाएंगे। शुक्र 28 तारीख तक कर्क में रहेंगे और उसके बाद सिंह राशि में चले जाएंगे। शनि 29 से मार्गी हो जाएंगे मकर राशि में ही। राहु 23 सितंबर को वृष राशि में चले जाएंगे और केतु वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। बहनों भाइयों, मकर राशि का स्वामी शनि स्वग्रही है और मकर राशि में ही विराजित है। यह जो समय है यह आपकी बुद्धि को भ्रमित करने वाला है। मेंटली कंफ्यूजन की स्थितियां रहती हैं। शरीर में जो कांति, सौंदर्य और तेज, इसकी कमी रहती है। मानसिक शारीरिक पीड़ा, पारिवारिक मतभेद, कलह से आप दुखी रहते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं दुखों का ही अनुभव होता है। इन सबके बाद भी एक विशेष बात रहेगी कि आपके अंदर सामाजिक और आर्थिक क्रांति की आकांक्षा भी रहेगी। इच्छाओं को पूर्ण करने का भरसक प्रयास भी आप करेंगे इसी अवधि में। स्वभाव में त्याग और विरक्ति की भावना भी आ सकती रहे हो सकती है आपकी। धन के लिए बंदरों को कुछ खाने को आपको देना चाहिए पूरे माह। सेहत के लिए बरगद के पेड़ में दूध डाल करके गीली मिट्टी का तिलक करें। कारोबार की बढ़ोतरी के लिए काला सुरमा जमीन में दबा दें या किसी साधु सन्यासी को तवा या अंगीठी कुछ दान कर दें। सुंदरकांड का पाठ करें शनिवार को, यह आपके लिए आवश्यक है। 16 सितंबर तक सूर्य की स्थिति से जीवन में आपको किसी तरह की असावधानी से बचना होगा, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे शारीरिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो। असावधानी से गहरी हानि होने की संभावना भी बनती है। शत्रु पक्ष पीड़ा देगा। अनायास धन की प्राप्ति जरूर होती रहेगी और विदेशों से भी धन लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। स्वास्थ्य में नरमी गर्मी बनी रहेगी। 16 सितंबर के बाद आप अपने परिश्रम से उन्नति कर पाएंगे। यश में कमी जरूर रहेगी। शत्रुओं पर दबाव आप बना पाएंगे पर भाई बहनों के बीच सुख सहयोग में कमी रहेगी। संतान और जीवन साथी का सुख सहयोग आपको मिलेगा। मित्रों से सहयोग मिलेगा। कार्य व्यवसाय के लिए की गई यात्रा भी आपको लाभ देगी। पूरे माह आपको सूर्य मंत्र का जप करना चाहिए, काली गाय की सेवा करनी चाहिए, पिता का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, लाल गाय को गुड़ खिला दें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप भी आपको फायदा दे सकता है। मंगल ग्रह के प्रभाव को देखें तो आपकी राशि पर इसका प्रभाव ऐसा है कि आप अधिक क्रोध से बचें। प्रतिदिन हो सके तो शहद का सेवन करें। आप सत्य का आचरण करने वाले व्यक्ति हैं और सत्य के वजह से लड़ भी जाते हैं तो सत्य आचरण करें, लेकिन कलह को दूर रखें। बरकत के लिए चांदी का कड़ा पहन सकते हैं। दाम्पत्य जीवन और व्यवसाय के लिए मंगल अच्छे परिणाम नहीं देने वाला है, लेकिन फिर भी आमदनी की थोड़ी बहुत व्यवस्था सुचारू रूप से ये चलाता रहेगा। बुध के प्रभाव को देखा जाए तो 22 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक भाग्य पक्ष का भरपूर लाभ आपको मिलने वाला है। झगड़े झंझटों से लाभ मिलेगा पर भाई बहनों से विरोध रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा पर कभी कभी डिप्रेशन, दूसरों से उत्पीड़न, पित्तजनित पीड़ा, गलत सलत भोजन और विघ्न बाधाओं का सामना भी आपको कभी कभी करना पड़ेगा इस महीने। 23 सितंबर के बाद बुध की स्थिति में सुधार होगा। वाणी में चतुराई से पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। दुश्मनों की पराजय से मन को खुशी प्राप्त होगी। दुर्वचन बोलने से आपको बचना चाहिए। मानसिक अवसाद बीच बीच में परेशान करता रहेगा तो उसके लिए सकारात्मक सोच रखें, ईश्वर की भक्ति करें।
परिवार का सहयोग, परिश्रम और बुद्धि बल से सारी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। विदेशों से भी धन लाभ आपको हो सकता है। गुरु ग्रह का आपकी राशि पर प्रभाव देखा जाए तो खर्चों में वृद्धि होगी, धन को शुभ और मांगलिक कार्यों में भी खर्च कर सकते हैं। भाई बहनों के सुख में कमी, शत्रु पर प्रभावी रहेंगे, मानसिक संताप और विश्वसनीय लोगों से धोखा मिलने की संभावना रहती है। व्यर्थ के कलंक से बचना चाहिए, स्थानांतरण और मुकदमेबाजी में धन का अपव्यय, व्यर्थ का खर्च हो सकता है। गुरुवार को काली गाय को गुड़ खिलाना चाहिए, सोने की चैन या कोई माला गले में धारण करें, हल्दी की गांठ भी पहनी जा सकती है। शुक्र की 28 सितंबर तक की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है, दुख और अपमान का सामना करना पड़ सकता है। माता पिता संतान का सुख जरूर मिलेगा, शत्रुओं से परेशानी होगी, गुप्त रोग पीड़ा दे सकते हैं। लाल गाय की सेवा किया करें, दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ किया करें। राहु आपकी राशि के लिए 23 सितंबर तक बहुत अच्छा है, कार्यों में सफलता दिलाएगा, विजय दिलाएगा। और केतु के प्रभाव को देखा जाए तो अधिक स्वार्थी न बने, परिवार के महत्व को समझें, जीवन साथी की उपेक्षा से बचें। इस माह विशेष तौर पर योग और अध्यात्म में रुचि आपकी बढ़ेगी, नित्य गणपति आराधना भी आपको जरूरी है। इस महीने की कुछ तारीखें कम अच्छी हैं, 6, 7, 15, 16, 24 और 25, इन तारीखों में सावधानी रखें। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।